बताना चाहूंगी कि जैसा आप सब देख रहे हैं, कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो यह अत्यधिक आवश्यक हो गया था कि 1 से 8 वीक, यद्यपि पहले निर्णय लिया जा रहा था कि हम लोग स्कूल खोलना चाहते थे, पर जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में स्कूलों को कोरोना का इतना अधिक ज़्यादा संख्या में प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए 1 से 8वीं कक्षा के स्कूल बंद किए गए हैं और ये अभी 15 अप्रैल तक के लिए निर्णय लिया जा चुका है। इस वर्ष 1 से 8वीं का जो आकलन भी किया जा रहा है वो प्रोजेक्ट बेस्ड आकलन किया जा रहा है बच्चों का, तो बच्चों को प्रोजेक्ट दिए गए हैं, वो घर से तैयार करके और लाएंगे और उसके आधार पर हमारे शिक्षक उसका आकलन करेंगे। और 1 से 15 के लिए, जैसा आपको विदित है कि गत वर्ष भी अपन ने डिजी लैब, जो हमारा डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत व्हाट्सएप के समूह बने हुए हैं, इन समूहों के माध्यम से अपन प्रातः 9 से 10 बजे तक फिर से ये बच्चों को अपन व्हाट्सएप के माध्यम से जो पाठ्य सामग्री वो उपलब्ध कराएंगे, और इस बार अपन ये पाठ्य सामग्री रात्रि में भेज दिया करेंगे और हमारे शिक्षक उसको आगामी दिवस 9 से 10 बजे के बीच में बच्चों तक पहुँचाएंगे। बच्चे इस सामग्री को देखेंगे और ये सामग्रियों में क्रिएटिविटी भी है, इसमें गतिविधियाँ भी हैं जो हमारे बच्चे उसको पढ़कर और अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। इसके उपरांत रेडियो स्कूल का कार्यक्रम रहेगा, वो प्रातः 10 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 5:30 बजे तक चलाया जाएगा। जो ये रेडियो स्कूल कार्यक्रम है, इसमें कक्षा 1-2 के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित कार्यक्रम है और कक्षा 3 से 8 हेतु दक्षता उन्नयन कार्यक्रम चलाया जाता है, और साथ ही साथ जॉयफुल लर्निंग की एक्टिविटीज़ भी हैं ताकि बच्चे आनंदपूर्वक अध्यापन भी करें और आनंद भी लें उसका। इसी के साथ शाम को जो 5 बजे से 5:30 बजे तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण किया जाएगा। तो ये तो बात रही रेडियो स्कूल की और डिजिलैब व्हाट्स ग्रुप की। इसके साथ ही साथ साथ अपन ने दूरदर्शन का भी उपयोग अपन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और कक्षा 1 से 8 के जो 6-8 के जो बच्चे हैं हमारे, इनके लिए दूरदर्शन में नियमित रूप से दैनिक रूप से ये कार्यक्रम चलाएंगे 12:30 से 1:30 बजे तक। कक्षा 6 से 8 के बच्चे हमारे, उसमें विभिन्न विषय गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इनकी कक्षाओं का प्रसारण किया जाएगा। इसको नाम दिया गया है क्लासरूम। इसके साथ ही साथ रविवार को हम लोग एक लाइफ स्किल मॉड्यूल, जीवन कौशल कार्यक्रम उमंग का प्रसारण करते हैं। यह कार्यक्रम सभी बच्चों के लिए है और उमंग कार्यक्रम में जीवन जीने के कौशल पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। तो आज मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अपने बच्चों को बिल्कुल बाहर नहीं भेजें, और लेकिन घर में ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये जॉयफुल लर्निंग के कार्यक्रम हैं, अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं। हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए उनके साथ मोबाइल कभी व्हाट्सएप के लिए शेयर करना पड़ सकता है, या अगर मोबाइल में कोई दिक्कत है तो टीवी और रेडियो के कार्यक्रम भी हमारे समानांतर जारी रहेंगे। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों के साथ अपने रेडियो या टीवी के ये टाइमिंग्स पर उनको दिखाने के लिए प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि कोरोना का बहुत संक्रमण है, इस संक्रमण काल में अपने को बेटा घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। सभी मेरे बेटे बेटियों से यही कहना चाहती हूँ कि घर में रहकर अपने आप को बिल्कुल हिफाजत से रखें, अपनी सुरक्षा करें, अपने माता पिता की सुरक्षा करें, अपने नानी दादी की सुरक्षा करें, उनसे कहानियाँ सुनें, और जब आपको कुछ परिवर्तन चाहिए, हमारे कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे, आप रेडियो और टीवी अवश्य देखें और इन कार्यक्रमों से आनंद उठाएं। थैंक यू वेरी मच।